ताड़ों के पत्तों से कभी महल नहीं बनता, ताड़ों के पत्तों से कभी महल नहीं बनता, और नदी को रोक लेने से कभी समंदर नहीं बनता। ताड़ों के पत्तों से कभी महल नहीं बनता, और नदी को रोक लेने से ही समंदर नहीं बनता। जीतनी पड़ेगी तुम्हें ज़िंदगी की हर एक जंग मेरे दोस्त, क्योंकि कोई एक ही जंग जीत लेने से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार मेरे समस्त मेरे दोस्तों को, मेरे सभी भारतवासी को, मेरे उन तमाम दोस्तों को मैं कुछ शब्द, कुछ मेरी लाइनें मैं यहाँ से बोलना चाहता था बहुत दिनों से, और कुछ शब्द मेरे पास आए जो मैं आपके नाम डेडिकेट करना चाहता हूँ। हम सभी को पता है कि हमारा देश, पूरा विश्व आज इस बड़ी महामारी से गुजर रहा है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये एक लड़ाई कोई एक विशेष वर्ग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की नहीं, ये जो लड़ाई है, ये जो कोरोना की महामारी के विरुद्ध जो ये लड़ाई है, ये हमारी है, हमारी सबकी है, और इसमें हमको सभी का योगदान बराबर रहना चाहिए। मैं उन सभी लोगों का दुख भी दर्द नहीं कर सकता इस मैं आपके सामने बताकर, लेकिन मैं उनके लिए ये दुआ कर सकता हूँ कि ये उनकी जो ये दुख है, उनका ये जो दर्द है, बहुत ही जल्द से जल्द ये दूर हो जाए, और ये जो गतिविधि है, जो ये समस्या है, नॉर्मली हो जाए। कुछ लाइन, कुछ कविता मैंने अपने देश के नाम लिखे हैं। मैं बहुत ही दुखी हूँ, बहुत ही कृतज्ञ हूँ जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई इस महामारी के विरुद्ध। मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ हमारी सरकार का, जो बारंबार बहुत ही अच्छी प्रकार से इस महामारी के विरुद्ध निपटने के लिए कोशिश कर रही है। और मैं उन तमाम लोगों का, जो लोग इस महामारी के विरुद्ध लड़ रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उन सभी का मैं इस वीडियो के मार्फत से मैं बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र हूँ, जिन्होंने अपनी ना सोचकर अपने देशवासियों के लिए काम किया। मेरा नाम रदीप राय, मैं दार्जिलिंग का रहने वाला हूँ, और अभी मैं कर्नाटक के एक ज़िले बेंगलोर में एक काम कर रहा हूँ, और अभी भी मैं ड्यूटी पर हूँ। और मुझे आज ड्यूटी करते हुए अपने आप को फ़ख्र महसूस हो रहा है, क्योंकि हम लोग यदि अपनी ड्यूटी करते थे तो वे अपने पेट के लिए करते थे। आज भी हम अपने पेट के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आज हम अपनी ड्यूटी में रहकर जो उन तमाम लोगों को एक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनकी एक हिफाजत कर रहे हैं, अपने आप को आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है। दो तीन लाइन में अपने देश के नाम यहाँ से करना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों के नाम, कुछ मेरे दिल में जो लफ्ज़ आए, कुछ शब्द आए, वो शायरी, कुछ कविताएँ आपके नाम में करना चाहता हूँ। हमने जीतना सीखा है, हमने जीतना सीखा है, हमको जीतना है एक दिन, हमको फिर से मुस्कुराना है, हम सबको मिलकर ही इस कोरोना को दूर भगाना है। ना रोना मेरे भारतवासी, ना रोना मेरे भारतवासी, हमने तो मुसीबतों से लड़ना सीखा है, हमारे इतिहास में हार का शब्द नहीं, हम भारतवासी ने तो गिर गिर कर संभलना सीखा है। काम करे ऐसे कि पहचान बन जाए, और हम लोग मिलकर चले ऐसे कि एक निशान बन जाए, यूं ही तो लोग जिंदगी इसी तरह ही काट लेते हैं, लेकिन हम समस्त भारतवासी मिलकर इस कोरोना के विरुद्ध लड़े ऐसे कि एक विश्व में एक मिसाल बन जाए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और फिर भी लास्ट में यही मैं दुआ करूंगा इस वीडियो के अंत में कि इस महामारी के विरुद्ध लड़ने के लिए ईश्वर, हमारी ईश्वर, मेरी ईश्वर, उन तमाम लोगों को शक्ति दे, और इस महामारी को हम जल्द से जल्द दूर करें, हम सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। हम होंगे कामयाब एक दिन।